तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ईथर्स। अब हमारा जो अल्कोहल फिनोल्स तो हो चुका है, उनकी प्रेपरेशन और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज डन है। ठीक, अब बारी आती है ईथर्स की। ईथर ग्रुप कौन सा होता है? यू नो दैट ऑक्सीजन जब दोनों साइड से लिंक्ड होता है किसी अल्काइल चेन के साथ, यहाँ से भी अल्काइल चेन के साथ, यहाँ से भी अल्काइल चेन के साथ, दैट इज कॉल्ड एज द ईथर। ओके, अब आती है प्रेपरेशन ऑफ ईथर कैसे होनी है, क्लियर। और हाँ, उससे पहले दो तरह के ईथर हो सकते हैं, सिमेट्रिकल ईथर और अनसिमेट्रिकल ईथर। सिमेट्रिकल ईथर क्या होंगे? अगर दोनों साइड सेम अल्काइल ग्रुप लगा, जैसे इधर मिथाइल लगा तो इधर भी मिथाइल लगा है, उसको बोलेंगे सिमेट्रिकल ईथर। अगर यहाँ पे इधर एथाइल लगा है और इधर भी इथाइल लगा है, तो दिस इज ऑल्सो अ सिमेट्रिकल ईथर। मतलब जो आपका लेफ्ट में लगा, राइट में लगा है, वही आपका लेफ्ट में लगा है, वही आपका अल्काइल ग्रुप। ओके, बट अगर अल्काइल ग्रुप डिफरेंट हो, जैसे मान लो यहाँ पे मिथाइल लगा और यहाँ पे फिनाइल लगाओ, ओके, तो दिस एंड दिस इज डिफरेंट, तो इनको इसको बोलेंगे अनसिमेट्रिकल ईथर। ओके, एंड टुडे वी विल डिस्कस प्रेपरेशन ऑफ ईथर्स, कि ईथर्स की प्रेपरेशन कैसे करवाई जाती है। ओके, वी कैन प्रिपेयर ईथर्स फ्रॉम अल्कोहल्स, फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स, फ्रॉम ग्रिग्नर्ड रिएजेंट। ग्रिग्नर्ड रिएजेंट तो बड़ा मतलब हर जगह आपको दिख ही जाएगा, क्योंकि ग्रिग्नर्ड रिएजेंट बड़ा यूनिवर्सल रिएजेंट है, जिसकी जिसको प्रेपरेशन में यूज किया जाता है। ओके, तो जैसे फ्रॉम अल्कोहल्स, अल्कोहल वैसे आपको पता ही है, जब किसी अल्काइल चेन के ऊपर OH ग्रुप लगा होता है, दैट इज कॉल्ड एज अल्कोहल्स। अब सबसे पहले हम ये देखेंगे अल्कोहल से कैसे प्रिपेयर किए जाते हैं, ठीक है, और इसका आप पहले थोड़ा सा पढ़ भी चुकी हो इसके बारे में। ठीक, जैसे इसमें फ्रॉम अल्कोहल्स में फर्स्ट मेथड है बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। ओके, बट उससे पहले डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से जो ईथर बनाते हैं, वो हम सिर्फ सिमेट्रिकल ईथर बना सकते हैं। We cannot prepare unsymmetrical ethers with the help of this method. इस method से हम सिर्फ symmetrical ether बना सकते हैं। Okay? Clear? आगे आपके पास आता है ये। अब dehydration करवाने के भी दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है? Acid catalyzed dehydration. ठीक है, जिसमें acid को, protonic acid को as a catalysis use किया जाता है। ये पहले भी पढ़ चुके थे हम कि dehydration of alcohol कैसे होती है। प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल में पड़ा हुआ है कि अगर अल्कोहल की डिहाइड्रेशन H2SO4 डाल के एक्सेस में और टेम्परेचर हाई रख के करें, तब तो बनता है एल्कीन। बट अगर टेम्परेचर रखें 413 केल्विन और H2SO4 को करें एक्सेस में, उस टाइम आपका जो दो अल्कोहल के मॉलिक्यूल हैं, ये दोनों आपस में मिलकर क्या बना देंगे? दे विल फॉर्म अ ईथर। और ईथर कौन सा बनेगा? सिमेट्रिकल ईथर। अल्कोहल में कौन सा ग्रुप है अल्काइल वाला? इथाइल ग्रुप है। तो आपके पास जो ईथर बनेगा, उसमें दोनों साइड वही वाला अल्काइल ग्रुप होगा। ओके, तो ऐसे आप बना सकते हो एसिड कैटलाइज्ड डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से ईथर इस मेथड से। देखो, बस आपको ध्यान ये रखना है कि ये वाला इस कंडीशन पे नहीं पहुंचाना है अल्कोहल को, नहीं तो वो एल्कीन बना देगा ईथर बनाने की बजाय। ओके, चलो आगे देखते हैं मैकेनिज्म। मैकेनिज्म में जैसे हमें पता है कि रिएक्शन लिख लें एक बार दोबारा यहाँ पे, ये था आपका रिएक्शन कि अल्कोहल के दो मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 एक्सेस में लेके एंड 413 केल्विन टेम्परेचर रखना है, दे विल फॉर्म द सिमेट्रिकल ईथर लाइक दिस एंड वाटर मॉलिक्यूल विल बी अ बाय प्रोडक्ट। ओके, तो अब इसमें मैकेनिज्म चेक करते हैं। मैकेनिज्म में स्टेप वन है प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल्स की प्रोटोनेशन होना। प्रोटोनेशन कैसे होनी है? देखो, आपके पास दो अल्कोहल के मॉलिक्यूल हैं जो एज अ रिएक्टेंट काम करेंगे, उनमें से एक अल्कोहल का मॉलिक्यूल जो है H2SO4 की वजह से प्रोटोन रिलीज होंगे, क्योंकि इट इज एसिड। ठीक, एक अल्कोहल का मॉलिक्यूल अपने ऑक्सीजन से, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, अपने ऑक्सीजन से प्रोटोन के ऊपर अटैक करवा देगा। ओके, क्लियर। तो व्हाट विल हैपन? यू विल गेट अ प्रोटोनेटेड इथेनॉल। आपको प्रोटोनेटेड अल्कोहल मिल जाएगा। यहाँ पे हमने इथेनॉल यूज किया है, इसलिए मैंने यहाँ पे बोल दिया कि आपको प्रोटोनेटेड इथेनॉल मिल गया। ओके, और अब ये जो प्रोटोनेटेड इथेनॉल है, इसके ऊपर यहाँ पे लिखा ना, दो अल्कोहल के मॉलिक्यूल रिएक्ट करेंगे, तो ये तो अभी एक ही मॉलिक्यूल है इथेनॉल का जो रिएक्ट किया है, ये वाला। ओके,
अब दूसरा मॉलिक्यूल क्या करेगा, इस प्रोटोनेटेड अल्कोहल के ऊपर, जैसे ये रहा सेकंड, दिस वाज द फर्स्ट अल्कोहल, ओके दिस वाज द सेकंड अल्कोहल मॉलिक्यूल, ये जो सेकंड अल्कोहल मॉलिक्यूल है ये अपने ऑक्सीजन से, आपको पता है ये बॉन्ड टूटने ही वाला है, ओके क्योंकि जब आपके पास ये जो प्रोटोनेटेड अल्कोहल इथेनॉल बन गया है, इसमें ये बॉन्ड टूटने वाला है, ऑक्सीजन ज्यादा देर पॉजिटिव चार्ज अपने ऊपर नहीं रखेगा, क्लियर। बट ये बॉन्ड कब टूटेगा, जब सेकेंड अल्कोहल का मॉलिक्यूल अपनी ऑक्सीजन वाली साइड से उस कार्बन के ऊपर अटैक कर दे जिसके साथ ये ग्रुप जुड़ा हुआ, मतलब SN2 मैकेनिज्म हो रहा है एक तरह से, ये वाला न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करेगा तब ये वाला जो लिविंग ग्रुप है यहाँ से जाएगा, इट इज SN2 मैकेनिज्म, ओके क्लियर। तो इट मीन्स सेकेंड वाला अल्कोहल मॉलिक्यूल एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करके फर्स्ट वाले प्रोटोनेटेड इथेनॉल के ऊपर अटैक करेगा उसके कार्बन के ऊपर, ओके एंड व्हाट विल हैपन, यहाँ से बॉन्ड बन जाएगा इसका इसके साथ, और यहाँ से बॉन्ड टूट के वाटर विल बी रिलीज एज अ बाय प्रोडक्ट, ओके और ये आपके पास अटैक होने के बाद एक एडक्ट बन गया यहाँ पे, ओके अब इस एडक्ट से ये वाला प्रोटोन रिलीज हो जाना है, ये वाला, ठीक। तो आप ऐसे भी बोल सकते हो कि सिंपली यहाँ से लॉस होके प्रोटोन चला जाएगा बाहर, ठीक, या इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं स्टेप थ्री में कि ये जो आपके पास एडक्ट बन रहा था यहाँ पे, इसकी बात हो रही है, ठीक, एक ये और कोई इथेनॉल आया, थर्ड इथेनॉल, क्लियर, जिसने अब दोबारा से ये वाला स्टेप वन करवाना है, उसको भी तो प्रोटोन चाहिए थर्ड इथेनॉल को भी रिएक्ट करने के लिए, स्टार्ट करवाने के लिए। तो होगा क्या, ये जो आपके पास ये वाला एडक्ट बना है इसके ऊपर थर्ड इथेनॉल का मॉलिक्यूल, इसके प्रोटोन, क्योंकि इसने प्रोटोन तो रिलीज करना ही है इस वाले ने, ठीक, तो जैसे ही ये बॉन्ड टूटेगा यहाँ से प्रोटोन रिलीज होना होना है, ओके इस प्रोटोन के ऊपर ये थर्ड वाला इथेनॉल जो है वो अटैक करवा के प्रोटोनेटेड इथेनॉल बना देगा। जब ये प्रोटोनेटेड इथेनॉल बना देगा तो होगा क्या, फिर से यही वाली चेन चल पड़ेगी, प्रोटोनेटेड इथेनॉल बना, प्रोटोनेटेड इथेनॉल जो है उसके ऊपर कोई दूसरा एक और इथेनॉल आके रिएक्ट करवाएगा, फिर ये एडक्ट बनेगा, इसमें से प्रोटोन रिलीज होने के बाद, जैसे ही प्रोटोन रिलीज होगा यू विल गेट यूर, ये आपका अल्टीमेटली फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है ईथर, ओके। तो आप इसमें ये समझ सकते हो कि एसिड कैटलिस्ट क्यों था, क्योंकि एसिड का जो प्रोटोन है, देखो एक प्रोटोन आया और एट द एंड ऑफ रिएक्शन यहाँ पे जब ये लॉस करवाता है, जैसे बोल लो यहाँ पे जो इसने लॉस करवाया प्रोटोन का, ठीक, तो प्रोटोन लॉस करवाता है वो अगले वाले इथेनॉल के लिए यूज हो जाता है, ऐसे ही एक प्रोटोन का एटम ही, प्रोटोन का कटाया नहीं, वही बार बार रिपीट होता रहता है, ओके। सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ द, ये मैकेनिज्म हम हालांकि पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ द ईथर फॉर्मेशन, ये आपका अल्टीमेट प्रोडक्ट बन गया ईथर, ओके। और इसमें ईथर कैसा बनेगा, देखो फर्स्ट इथेनॉल और सेकेंड इथेनॉल दोनों एक जैसे ही हैं, ये दोनों अल्कोहल मॉलिक्यूल एक जैसे यूज हुए, तो इसलिए आपके पास जो ईथर बनेगा दैट विल बी अ सिमेट्रिकल ईथर, उसके लेफ्ट पे और उसके राइट पे दोनों पे सेम अल्काइल ग्रुप होगा, ओके। दैट्स इट विद द मैकेनिज्म। नाउ वन मोर थिंग, ओके, जैसे अब हमने ये तो मैकेनिज्म डिस्कस कर लिया ना, स्टेप वन स्टेप टू स्टेप थ्री में मैकेनिज्म डिस्कस कर लिया, अब हम इन जनरल ऐसे लिख सकते हैं कि दो अल्कोहल के मॉलिक्यूल होते हैं, जैसे हमने पहले तो कट शॉर्ट में लिखा था ना, ऐसे कट शॉर्ट में लिख दिया था इसको, ठीक, इन जनरल हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये आपका एक अल्कोहल का मॉलिक्यूल है देखो, और ये दूसरा अल्कोहल का मॉलिक्यूल है, इस वाले अल्कोहल का OH और दूसरे वाले अल्कोहल का H, ये दोनों मिलके वाटर बना के बाहर गए हैं, और यहाँ से ये वाला R और ये वाला RO दोनों आपस में क्लब होके क्या बना रहे हैं, ईथर, ओके। तो आप डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल रिएक्शन को एक जनरल फॉर्म में ऐसे लिख सकते हो, ओके क्लियर। एक और चीज, द यील्ड ऑफ ईथर हाउएवर डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ अल्कोहल, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल तो आप जानते ही हो, इसका मैं थोड़ा सा हिंट आपको भी दे देता हूँ। जैसे कि मैंने बोला कि स्टेप टू में क्या होगा, दूसरे वाला अल्कोहल का मॉलिक्यूल प्रोटोनेटेड अल्कोहल के ऊपर अटैक करवाएगा और SN2 मैकेनिज्म से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवाएगा, ओके। बट मैं बोलूं कि अगर आपके पास ये वाला अल्कोहल, जैसे यहाँ पे तो आपने इथेनॉल लिया ना, अगर इथेनॉल ना लेके मान लो आपके पास ये वाला अल्कोहल होता और इसका प्रोटोनेटेड अल्कोहल बना होता,
ठीक है, ये बना होता। दूसरी तरफ से आपके पास ये वाला जो अटैक करवाने आ रहा है ये भी वही होता, उसी का इथेनॉल होता ना। मैं बात कर रहा हूँ टर्शरी ब्यूटेनॉल की, दिस इज टर्शरी ब्यूटेनॉल। ओके, अब ये देखो टर्शरी ब्यूटेनॉल जो है, एक तो ये बल्की है, इसमें देखो मिथाइल रिंग्स लगी हैं, और यह जिस कार्बन पे उसने अटैक करना है इस वाले के ऊपर, ये भी बल्की है, ये भी बल्की ग्रुप से घिरा हुआ है, तो ये यहाँ से ऐसे अटैक करवा पाएगा इसके ऊपर? नहीं। हमने बात पढ़ी थी SN2 में कि जो बल्कियर अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है, या जिस कार्बन के ऊपर अटैक होना है, अगर उसके अराउंडिंग में अराउंड में बल्कियर ग्रुप लगे हैं, तो होता क्या है, SN2 मैकेनिज्म शो नहीं होता। तो करेगा क्या ये न्यूक्लियोफाइल, अगर मान लो इसको अटैक करवाना ही है, मान लो ये रिएक्शन SN2 मैकेनिज्म से ही होनी है, और यहाँ पे ये वाला अल्कोहल बल्कियर है और इस कार्बन के अराउंड जो ग्रुप लगे हैं वो भी बल्कियर है, तो ये क्या करेगा, ये वाला अल्कोहल इस कार्बन पे अटैक ना करवा के क्या करेगा, उससे पिछले वाले कार्बन से ही प्रोटोन रिलीज करवा लेगा, तब आपके पास एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगी, देन यू विल हैव एलिमिनेशन रिएक्शन। तब आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो एलिमिनेशन रिएक्शन के अकॉर्डिंग बना है, जो हम पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसमें हम पढ़ते थे रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स में। ठीक है, कैसे होता है इसका मैकेनिज्म एक बार देख लेते हैं दोबारा से। जैसे आपके पास मैंने बोला कि ये टर्शरी अल्कोहल है, ओके, इसका स्टेप वन क्या होगा, स्टेप वन में तो वही है, एसिड के साथ रिएक्शन करवाएगा, एसिड के एच पॉजिटिव आयन पे अटैक करवाएगा, व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट दिस प्रोटोनेटेड अल्कोहल। ठीक है, अल्कोहल का नाम नहीं मैं बार बार बोलूंगा, इसलिए इसको जनरल अल्कोहल बोल रहा हूँ। आपको पता है ये कौन सा अल्कोहल है, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ओके, अब स्टेप टू में क्या होता है, ये तो फर्स्ट अल्कोहल का मॉलिक्यूल था जो अटैक करने आया, अब दूसरा अल्कोहल का मॉलिक्यूल आएगा, ये दूसरा कोई अल्कोहल का मॉलिक्यूल है, ये अटैक करने आ रहा है इस प्रोटोनेटेड अल्कोहल के ऊपर, ठीक है, ये यहां से इस कार्बन के ऊपर अटैक करना चाहता तो है, बट एक तो ये खुद बहुत बल्की है, एक बल्कियर न्यूक्लियोफाइल है, दूसरा इस कार्बन के अराउंड बल्कियर ग्रुप लगे हुए हैं, तो हमें पता है बल्कियर ग्रुप जो है वो SN2 मैकेनिज्म को होने नहीं देते, और मान लो अटैक इसने करवाना है तभी ये प्रोटोन रिलीज होगा, सॉरी ये पूरा ग्रुप रिलीज होगा एज अ वाटर। तो होगा क्या, ये वाला अटैक ना होके एक्चुअल में होगा क्या, आपके पास इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, इस CH3 को मैंने सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा है, CH2 और यहाँ पे H दिखाया, तो ये वाला आपका जो अल्कोहल है ये इस फॉर्म में ना जाके ये क्या करेगा, ये इस प्रोटॉन के ऊपर अटैक करवाएगा, यहाँ से प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट करवा लेगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे और ये वाले इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर मूव कर जाएंगे, एंड व्हाट विल यू गेट, इसका क्या बन जाएगा फिर आपके पास, C डबल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH3, और ये ग्रुप यहाँ से एज सच निकल गया इन फॉर्म ऑफ वाटर। तो आपके पास अल्टीमेट प्रोडक्ट क्या बनेगा, एथीन, ये मैकेनिज्म हम सॉरी एथीन नहीं है ये, ठीक, इसका नेम मैं आगे बताता हूँ आपको क्या है, मतलब आपके पास एल्कीन बन गया अल्टीमेटली। ओके क्लियर, एल्कीन इज दी, मतलब आपके पास एलिमिनेशन के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनता है, ये हमने अल्कोहल्स की प्रॉपर्टी में ऑलरेडी मैकेनिज्म भी ये डिस्कस किया हुआ ये वाला, ठीक है, बट मैंने फिर भी एक बार रिकॉल करवा दिया आपको। तो यहां से आपके पास कंक्लूजन का निकल के आती है कि ईथर बनना है कि नहीं बनना, यहाँ पे जरूरी नहीं ईथर बन ही जाएगा, ईथर बनना है कि नहीं बनना वो डिपेंड करेगा आपने अल्कोहल कौन सा यूज किया है, 1 डिग्री, 2 डिग्री कि 3 डिग्री। ठीक है, अब इसको आगे एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे अगर आपने मिथाइल अल्कोहल यूज किया हो, तब जैसे मिथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला ये, तब तो इजिली आपके पास देखो इसका नेम क्या है, ईथर बन रहा है ना, ये कौन सा ईथर है, डायमिथाइल ईथर। ओके, जैसे जैसे अल्कोहल के अल्काइल ग्रुप को आप बल्की करते जाओगे, वैसे वैसे चांसेस हैं कि एलिमिनेशन प्रोडक्ट भी बनना शुरू हो जाएगा, जैसे प्राइमरी अल्कोहल के केस में भी SN2 मैकेनिज्म बड़े आराम से फॉलो हो जाता है, तो इसके केस में जैसे हमने एग्जाम्पल लिया प्राइमरी अल्कोहल की इथेनॉल, तो इथेनॉल के केस में दो इथेनॉल के मॉलिक्यूल रिएक्ट करके आराम से इथॉक्सी इथेन बनाते हैं,
एथॉक्सीथेन बोल सकते हो इसका, या इसका दूसरा नेम क्या है, इथर्स की नेमिंग कैसे करते हैं, एस एल्काइल ग्रुप का नेम, एस एल्काइल ग्रुप का नेम और पीछे लगा दो इथर, क्या नेम बनेगा इसका, डाई इथाइल ईथर। ओके, तो आपके पास ये बन जाएगा डाइथाइल ईथर एंड वाटर। बट जब स्कैंड्रियल को हो जाते हैं तो बैक अटैक थोड़ा मुश्किल हो रहा है इस कार्बन के ऊपर, मैकेनिज्म में होता है ना बैक अटैक होता है इस कार्बन के ऊपर, तो इसके ऊपर मुश्किल हो रहा है। तो इसके केस में, स्कैंड्रियल कोहल्स के केस में दोनों तरह के प्रोडक्ट बनते हैं, एलिमिनेशन प्रोडक्ट भी बनता है और सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट भी बनता है। अगर सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी तो यू विल गेट ईथर एज अ प्रोडक्ट, और अगर एलिमिनेशन होगी यू विल गेट एल्कीन एज अ प्रोडक्ट, यू नो दैट। ओके, और आपको पता है अगर स्कैंड्रियल कोहल दो अल्कोहल आपस में मिलके ईथर बनाएंगे तो वो कौन सा ईथर बनाएंगे, दे विल फॉर्म ईथर लाइक दिस। ओके, इसका हम ऐसे ही लिखेंगे ना इसको, अगर इस रिएक्शन को लिखना हो, ये एक होगा अल्कोहल, दूसरा अल्कोहल को भी ऐसे ही लिख लो बट इन्वर्टेड फॉर्म में। ओके, इसका OH जाएगा, इसका H जाएगा, ये दोनों वाटर बना के बाहर निकल जाएंगे और ये दोनों आपस में ऐसे क्लब कर जाएंगे। ओके, तो यू विल गेट दिस ईथर एज अ प्रोडक्ट। ओके, और इस ग्रुप को क्या बोलते हैं, आइसोप्रोपाइल, इसको भी आइसोप्रोपाइल, तो उसको क्या बोलेंगे, डाई आइसोप्रोपाइल ईथर, इधर भी आइसोप्रोपाइल, इधर भी आइसोप्रोपाइल, और ये वाला ग्रुप कौन सा, ईथर। ठीक है, तो इसमें ईथर की फॉर्मेशन ऐसे होती है, क्लियर। बट अगर ये एलिमिनेशन करवाएगा ये वाला, तो एलिमिनेशन से आपके पास ये वाला एल्कीन बनेगा, कैसे बनेगा आप इसका मैकेनिज्म भी बना के देख सकते हो, आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, और अगर टर्शरी अल्कोहल है उस टाइम तो आपके पास ईथर बनता ही नहीं है, आप उम्मीद क्या कर रहे हो कि ऐसे दो अल्कोहल अगर मैं बनाना चाहूं, इट विल बी लाइक दिस, एक अल्कोहल ऐसे, एक अल्कोहल बिल्कुल इसका इन्वर्ट बना के दिखाना है आपने ऐसे, आप उम्मीद क्या कर रहे हो, इसका एच जाएगा, इसका ओएच जाएगा और आपके पास ये वाला ईथर बन जाएगा। ओके, ये वाला, बट एक्चुअल में मैकेनिज्म हमें बताता है कि इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें क्या होगा, इसमें एलिमिनेशन ही पॉसिबल है, इसमें एस एन टू मैकेनिज्म फॉलो नहीं हो सकता क्योंकि बैक अटैक पॉसिबल नहीं हो सकता इस कार्बन के ऊपर। ओके, सो दैट्स व्हाई टर्शियरी अल्कोहल्स आर नॉट गोइंग टू गिव ईथर्स, दे आर गोइंग टू प्रोड्यूस एल्कीन्स एज द प्रोडक्ट। ओके, बस ये पॉइंट ध्यान में रखना है। और सेकेंडरी में आपके पास एल्कीन और ईथर दोनों बनते हैं, प्राइमरी और मिथाइल वाले जो हैं उसमें आपके पास बड़े आराम से यू विल गेट ईथर। ओके, सो दिस वॉज द फर्स्ट मेथड। सेकेंड में आप कैटालिटिक डिहाइड्रोजन हाइड्रेशन करवा सकते हो, जैसे पीछे में तो हमने एसिड यूज किया ना, प्रोटोनिक एसिड यूज किया। ओके, अगर प्रोटोनिक एसिड ना यूज करके आप लुईस एसिड यूज कर लो, उस टाइम भी आपके पास ईथर बन जाता है, बस आपने टेम्परेचर का ध्यान रखना है, अगर हाई टेम्परेचर कर दोगे तो उस टाइम एल्कीन बनता है। ये हम ऑलरेडी दोनों टाइप डिस्कस कर चुके थे, इसलिए मैं इसको, इसका मैकेनिज्म नहीं आपको बताऊँ, मतलब उस आपको पता ही है कि इसमें टेम्परेचर अगर 600 केल्विन के अराउंड हो तो आपके पास प्रोडक्ट ये बनता एथीन, क्योंकि तब एलिमिनेशन रिएक्शन होती है। बट अगर टेम्परेचर ये हो तब आपके पास ये वाला ईथर बनता है। ओके, ये प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल में हमने पढ़ा हुआ है। जैसे नेक्स्ट है आपके पास अल्कोहल से ईथर बनाने का सेकंड मेथड है, दैट इज बाय एक्शन ऑफ डाइएजोमीथेन ऑन अल्कोहल। अब डाइएजोमीथेन क्या है, दिस इज कॉल्ड एज द डाइएजोमीथेन, ये रहा आपका डाइएजो ग्रुप और उसके ऊपर ये मिथेन, एक कार्बन जब हो उसको मिथेन ही बोलते हैं ना, दिस इज कॉल्ड एज द डाइएजोमीथेन, इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं। ठीक, बस आपने इतना दिमाग में बैठा लेना है कि डाइएजोमीथेन में से ये वाला मिथेन ग्रुप जो है वो यहाँ पे ओ के साथ अटैच हो जाएगा, ये एच भी उसको मिल जाएगा और यहाँ से एन टू विल बी एज अ बाय प्रोडक्ट, इसको याद रखने का तरीका बता रहा हूँ। ठीक, और आपका यहाँ पे कैटलिस्ट क्या यूज होगा, एच बी एफ फोर, ओके, हाइड्रोजन बोरो टेट्राफ्लोराइड, इसका नेम क्या है, हाइड्रोजन बोरो टेट्राफ्लोराइड, ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है। ओके, रिड्यूसिंग एजेंट, क्लियर, मैकेनिज्म में नहीं जाना इसके हमने, बस इतना याद रख लो कि डाइएजोमीथेन, हालांकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है भी नहीं है, पर फिर भी हो सकता है कभी कभार अगर एक्शन आ गई तो आपको थोड़ा बहुत दिमाग में होना चाहिए कि अल्कोहल जब डाइएजोमीथेन से रिएक्ट करते हैं दे आर गोइंग टू प्रोड्यूस दिस टाइप ऑफ ईथर्स। ओके,
एक साइड मिथाइल ग्रुप लगा ही होगा, दूसरी साइड कौन सा ग्रुप होगा वो डिपेंडिंग अपॉन कौन सा आपने अल्कोहल चूज किया। ओके, एंड नाइट्रोजन विल बी दी बाय प्रोडक्ट। सी, अल्कोहल से प्रेपरेशन का ही नेक्स्ट मेथड है बाय डायरेक्ट एडिशन ऑफ अल्कोहल टू दी रिएक्टिव अल्कीन्स। जो रिएक्टिव अल्कीन्स होते हैं उनके साथ आप अल्कोहल की डायरेक्ट एडिशन रिएक्शन करवा दो। जैसे यहाँ पे मैंने ये रहा आपका अल्कोहल, ये कौन सा अल्कोहल लिया मैंने, मिथेनॉल। ओके, ये मिथेनॉल है आपके पास और ये आपका एल्कीन है। ठीक, ये एल्कीन और ये वाला अल्कोहल मार्कोवनिकोव एडिशन शो करेंगे। मार्कोवनिकोव एडिशन कैसे थी याद करो, जैसे अगर ये वाला मिथेनॉल का मॉलिक्यूल अगर हेट्रोलिटिकली टूटे इसका हाइड्रोजन ऑक्सीजन का बॉन्ड, तो आपके पास क्या बनेगा, यू विल गेट OCH3 नेगेटिव दिस एन आयन एंड एच पॉजिटिव आयन दिस एज अ कैटायन। एच पॉजिटिव आयन विल अटैच टू दिस कार्बन एंड दिस नेगेटिव पार्ट विल गो टू दिस कार्बन। मार्कोवनिकोव एडिशन तभी बोलेंगे इसको। मार्कोवनिकोव एडिशन क्या कहती है, नेगेटिव पार्ट ऑफ एडेंडम विल गो टू दैट कार्बन विच कंटेन लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। और इस एडेंडम का जो नेगेटिव पार्ट बनना है वो कौन सा बनना है, दैट विल बी दिस। तो दिस विल गो टू दिस कार्बन एंड दिस पॉजिटिव पार्ट विल गो टू दिस कार्बन, तो यू विल गेट दिस एज अ प्रोडक्ट। ओके क्लियर, अगर अभी भी कंफ्यूजन है तो इसका इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख देते हैं। ये आपके पास ऐसे था, अब ये वाला अटैच होना है इसके साथ और ये अटैच होना है इसके साथ, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, CH3 CH3। यहाँ पे एच, ये OCH3 ऐड हो गया और यहाँ पे ये बन गया CH3। ओके, तो मैंने ये देखो यही प्रोडक्ट लिखा है, बस इसको थोड़ा रोटेट कर दो, इसको रोटेट करना पड़ेगा थोड़ा सा, तो ये लिखे ऐसा मॉलिक्यूल है ये, दैट्स इट। तो अल्कोहल्स की एल्कीन्स के साथ रिएक्शन करवाओगे तो भी मार्कोवनिकोव रूल के अकॉर्डिंग यू विल गेट योर प्रोडक्ट एंड द प्रोडक्ट विल बी ईथर। ओके, और इस मेथड से भी आप अनसिमेट्रिकल ईथर प्रोड्यूस कर सकते हो। अनसिमेट्रिकल ईथर का मतलब क्या है, जिसमें ऑक्सीजन के लेफ्ट साइड अल्काइल ग्रुप कोई और हो, राइट साइड अल्काइल ग्रुप कोई और हो। ओके, एंड इसमें आपके पास नाउ जैसे फ्रॉम अल्कोहल से कितने मेथड थे वो हमने सारे पढ़ लिए। ओके, नेक्स्ट आपके पास है अल्काइल हैलाइड से कैसे बना सकते हैं। अल्काइल हैलाइड आपको याद होगा, जब अल्काइल के साथ हैलोजन ग्रुप लगा हो दिस इज कॉल्ड एज दी अल्काइल हैलाइड। ओके, अब ये देखेंगे कि अल्काइल हैलाइड से आप कैसे ईथर्स को प्रोड्यूस कर सकते हो। सो अल्काइल हैलाइड से प्रेपरेशन में फर्स्ट आपके पास मेथड है विलियमसन सिंथेसिस। नेम रिएक्शन आ गई, इंपॉर्टेंट है। ओके क्लियर, विलियमसन सिंथेसिस में दिस इज बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर ईथर्स। ईथर को बनाने के लिए बेस्ट मेथड है, और स्पेशली चाहे सिमेट्रिकल बनाने हो चाहे अनसिमेट्रिकल बनाने हो, दोनों तरह के ईथर इस मेथड से बन जाते हैं। ओके, बस इसमें आपने यूज क्या करना है, यू हैव टू यूज, यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा करेक्शन करनी है, ये मैं गलत लिख गया हूँ यहाँ पे। ओहो, यू हैव टू यूज अल्कोहल्स एंड अल्काइल हैलाइड। इसमें आपको अल्काइल हैलाइड से प्रेपरेशन तो हम पढ़ ही रहे हैं, इसमें आपको दूसरा कंपोनेंट कौन सा यूज करना पड़ता है, अल्कोहल। एंड विलियमसन सिंथेसिस में देर आर टू स्टेप्स, दो स्टेप होते हैं। ओके, फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, आप जो अल्कोहल यूज कर रहे हो वो तो आप अकॉर्डिंग टू किसके अकॉर्डिंग अल्कोहल यूज करोगे, देखो आर डैश ओ आर, मान लो आपने ये वाला ईथर बनाना है, ईथर के लेफ्ट साइड आपने अल्काइल ग्रुप रखना है आर डैश, राइट साइड आपने अल्काइल ग्रुप रखना है आर, तो ये अल्काइल ग्रुप कहाँ से आएंगे, स्टार्टिंग मटेरियल से ही आएंगे ना, जो आपने मटेरियल डाला होगा। तो आपने अल्कोहल और जो अल्काइल हैलाइड है वो अकॉर्डिंग टू दिस लेना है कि कौन सा आर डैश चाहिए आपको, कौन सा आर चाहिए, इसको आगे मैं एग्जांपल से भी एक्सप्लेन करूंगा, बट इतना भी आपको दिमाग में रखना है। तो हमने क्या किया, वी टुक दिस अल्कोहल। स्टेप वन में क्या करेंगे, अगर इसको प्रैक्टिकली देखें, हम अल्कोहल लेंगे, ओके, उसमें सोडियम मेटल डाल देंगे, उससे होगा क्या, यू नो दैट अल्कोहल्स आर एसिडिक इन नेचर, मतलब अल्कोहल्स का ये वाला हाइड्रोजन रिप्लेसेबल होता है विद द मेटल। ठीक है, ऑर्गेनिक में एसिड किसको बोलते हैं, जो प्रोटोन रिलीज कर सकते हों। ओके क्लियर, यो वो पीएच वाला कंसेप्ट ऑर्गेनिक के एसिड में लेके आना कि पीएच लेस देन 7 होगा तभी वो एसिड है, मतलब जो भी प्रोटोन रिलीज करने की टेंडेंसी रखता है दैट विल बी कॉल्ड एज द एसिड। ठीक है,
तो आपके पास अल्कोहल्स जो हैं जब सोडियम के साथ रिएक्ट करेंगे दे आर गोइंग टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। ये हम 10th में भी पढ़ते हैं कि अल्कोहल रिएक्ट विद मेटल्स टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। सॉल्ट कौन सा बनता है आपके पास, जिसमें सोडियम विल बी एज अ कटायन और बाकी जो इसमें से नेगेटिव पार्ट बचता है ये वाला, दैट विल बी द अनायन। इसका नेम क्या होगा, सोडियम एल्कोक्साइड। ये अल्काइल ग्रुप जो भी इसका नेम बनता है उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा। अगर ये इथाइल हुआ तो इसका नेम क्या बन जाना, सोडियम एथोक्साइड। अगर ये मिथाइल हो आर डैश सोडियम मेथोक्साइड अकॉर्डिंग टू दैट। ओके, ये आपका सोडियम सॉल्ट बन गया अल्कोहल से। अब ये सोडियम सॉल्ट जो है उसमें ये वाला जो ग्रुप है दैट कैन दिस कैन एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। ये एक न्यूक्लियोफाइल है। ओके, तो बस अब इस जब इसमें आपने अल्कोहल में और आपके पास इसमें सॉल्ट बन गया ये सारा का सारा, आपने ऐड क्या कर देना है, आपने अल्काइल हैलाइड ऐड कर देना है। अल्काइल हैलाइड कौन सा ऐड करना है, डिपेंडिंग अपॉन आप कौन सा ईथर बनाना चाहते हो। तो जो आप ये सॉल्ट बना है ये अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट कर देगा, कौन सी रिएक्शन शो करवाएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे चाहे लिख ही देते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो आपके पास यहां से ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा उस कार्बन पे जिसके साथ हैलोजन जुड़ा होगा। जैसे ही अटैक होगा यहाँ से हैलाइड आयन रिमूव हो जाएगा। ओके, और ये दोनों जुड़ जाएंगे और यहाँ से Na पॉजिटिव आयन और जो हैलाइड आयन निकलेगा वो दोनों जुड़ के सॉल्ट बना लेंगे एंड यू विल गेट दी इथर। ओके, दैट्स इट। अब इसमें एग्जाम्पल वन लेते हैं, प्रेपरेशन ऑफ मिथाइल इथाइल ईथर। मैंने मिथाइल इथाइल ईथर बनाना है, तो या तो मैं ऐसा करूं मिथेनॉल लूं, क्योंकि मिथेनॉल से मिथाइल इथाइल ईथर का फॉर्मूला क्या बनता है, CH3O CH2CH3। ओके, मिथेनॉल लूं, मिथेनॉल क्या है, CH3OH। मिथेनॉल से मुझे ये वाला ग्रुप बन जा मिल जाएगा ईथर का। एंड क्लोरोइथेन लूंगा, क्लोरोइथेन से क्या होगा, क्लोरोइथेन से मेरे को ये वाला अल्काइल ग्रुप मिल जाएगा। और ये वाला अल्कोहल और ये वाला आपके पास क्लोरोइथेन मिलके आपके पास क्या बनाएगा, यू विल गेट दिस मिथाइल इथाइल ईथर। ओके, अब इसको समझते हैं। मिथेनॉल स्टेप वन में मैं क्या करवाऊंगा, स्टेप वन में वही बात, मिथेनॉल की रिएक्शन करवा देंगे मेटल से, यू विल गेट सोडियम एथोक्साइड आयन। मतलब जो भी आपने अल्कोहल लेना है एज अ स्टार्टिंग मटेरियल उसकी रिएक्शन करवानी है सोडियम से, यू विल गेट सोडियम सॉल्ट ऑफ दैट अल्कोहल। और इस सॉल्ट में जो भी एनायन है दैट इज अ न्यूक्लियोफाइल दैट इज गोइंग टू अटैक ऑन द कार्बन ऑफ द हेलोअल्केन। जो हेलोअल्केन यूज कर रहे हो उसके कार्बन के ऊपर अटैक करने जाएगा, यहां से हैलाइड आयन निकालेगा और यहां से खुद जुड़ जाएगा इसके साथ। यू गॉट दिस, ठीक। अब मेरे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि अगर यहाँ पे मैं ऐसा करता, जैसे इसमें मैंने मिथाइल ग्रुप लेके अल्टीमेटली मैंने ये प्रोडक्ट बनाना था, इस प्रोडक्ट में मेरे को चाहिए था मिथाइल और चाहिए था इथाइल। तो मैंने क्या किया, मैंने अल्कोहल लिया मिथाइल वाला और जो हेलोलकेन लिया वो लिया इथाइल वाला। अगर मैं उल्टा कर दूं, मतलब अल्कोहल लूं इथाइल वाला मतलब इथेनॉल, और जो ये क्लोरो इथेन की बजाय मैं क्या ले लूं, क्लोरोमिथेन, तो भी बन जाता ये, तो भी ऐसे पॉसिबल था। हाँ जी बिल्कुल पॉसिबल था। तो इट मीन्स अगर आपके पास लेबोरेटरी में मेथेनॉल और क्लोरोइथेनॉल नहीं है उसकी बजाय क्या यूज करो, इथेनॉल एंड क्लोरोमेथेनॉल यूज करोगे तो भी हो जाएगा रिएक्शन। बस इस बार आपने क्या करना है, मैंने क्या बोला, जो अल्कोहल लोगे उसकी सोडियम से रिएक्शन करवानी है, उसकी वजह से बनाना है सॉल्ट। सॉल्ट में जो एनायन है ये वाला, ठीक है, जो भी आपका एल्कोक्साइड एनायन बनेगा, दिस इज अ गुड न्यूक्लियोफाइल, इट इज गोइंग टू अटैक ऑन द कार्बन ऑफ द अल्काइल हैलाइड। उसमें से हैलाइड आयन को बाहर निकालेगा और उसके साथ खुद जोड़ लेगा अपने आप को। यू गॉट दिस, तो ऐसे भी बन जाएगा आपका इथाइल मिथाइल ईथर। ओके, ऐसे भी बन जाएगा, ऐसे भी बन जाएगा। मिथेनॉल और क्लोरोथेनॉल यूज कर लो या इथेनॉल और क्लोरोमेथेनॉल यूज कर लो, उनसे भी बन जाएगा। ओके क्लियर, बट ये हर बार एप्लीकेबल नहीं होता, इसकी एग्जाम्पल भी मैंने आगे लिखी हुई है। नाउ एग्जाम्पल टू, अब इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने एलाइल फनाइल ईथर बनाना है। एलाइल ग्रुप कौन सा होता है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसको बोलते हैं एलाइल।
ठीक है, एक साइड आपने ये ग्रुप रखना है, दूसरे साइड आपने इथर के रखना है फिनोल फिनाइल, मतलब अब बेंजीन रिंग, मतलब आपने अल्टीमेटली ये प्रोडक्ट बनाना है। ओके, तो अब मेरे दिमाग में आया क्या आया, मैंने सोचा एलाइल ब्रोमाइड लेता हूँ और साथ में फिनोल लेता हूँ, इन दोनों को यूज करके विलियमसन रिएक्शन लगा के, विलियमसन सिंथेसिस लगा के मैं बना लेता हूँ अपना एलाइल फिनाइल ईथर। तो मैंने फिनोल लिया, जो आप ओएच लोगे, ठीक है, फिनोल को आप रिएक्ट करवाओगे सोडियम के साथ, फिनोल्स आर आल्सो एसिडिक इन नेचर, यू विल गेट दिस सोडियम फिनोक्साइड आयन। यहाँ पे ये जो फिनोक्साइड आयन बना, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, दिस इज गोइंग टू अटैक ऑन दी कार्बन ऑफ दी एलाइल ब्रोमाइड। ये एलाइल ब्रोमाइड लो जो लिया है, उसके कार्बन के ऊपर अटैक करने जाएगा, यहाँ से ब्रोमाइड आयन बाहर निकाल लेगा और साथ में ये पूरा का पूरा ग्रुप अपने साथ अटैच करवा लेगा, यहाँ से Na पॉजिटिव आयन और Br नेगेटिव आयन निकल के ये सॉल्ट बना लेंगे। ओके, तो अब क्वेश्चन आता है, जैसे मैंने पिछले को एग्जाम्पल में किया था कि अब मैं क्या क्या करता हूँ, फिनोल की बजाय ले लेता हूँ अल्काइल अल्कोहल, एलाइल अल्कोहल, और आपको एलाइल ब्रोमाइड की बजाय मैं ले लेता हूँ क्लोरोबेंजीन, तो अब भी यही बनेगा आपका प्रोडक्ट, अब बन सकता है ये। चलो इसको एनालाइज करके देखते हैं, जो भी अल्कोहल लेना है, क्योंकि हमें तो ये लगा ना आर इससे आएगा, दूसरा आर इससे आएगा और बीच में ऑक्सीजन होगा, तो इससे भी बन ही जाएगा लॉजिकली, तो देखने में यही लग रहा है कि इससे भी आपका ये वाला बन जाएगा एलाइल फिनाइल इथर, क्योंकि एक ग्रुप जो है अल्कोहल से आ जाता है, एक ग्रुप जो है आपका वो हेलोल्केन से आ जाता है। अब इसमें देखते हैं प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, वैसे तो आपको शायद दिख भी गया होगा कि जो बेंजीन है उसके साथ जो क्लोरीन लगा है, अब मैंने क्या बोला, इस कार्बन क्लोरीन बॉन्ड में डबल बॉन्ड करेक्टर होता है, ठीक है, तो इसकी वजह से इसको कर ही लेते हैं पहले। चलो आपका अल्कोहल ये रहा, अल्कोहल में क्या करते हैं, अल्कोहल से बनाते हैं एल्कोक्साइड आयन, उसमें सोडियम डाला, यू प्रोड्यूस्ड द एल्कोक्साइड आयन, ये वाला आपने एल्कोक्साइड आयन प्रोड्यूस करवा लिया। ओके, ये प्रोड्यूस हो गया, दैट्स इट। अब ये वाला अल्कोक्साइड आयन जो है, ये यहाँ पे बेंजीन के ऊपर अटैक करवाएगा, यहाँ से क्लोरीन निकालेगा एंड यू विल गेट योर प्रोडक्ट ऐसे। ठीक है, हाँ सर बन गया, बन तो गया, आप तो बोल रहे हो नहीं बनना। ये क्या है, ये एक न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल बेंजीन रिंग पे अटैक करवा सकता है, नहीं, हम क्या कहते हैं, बेंजीन रिंग के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर सकते हैं, न्यूक्लियोफाइल नहीं। ओके, दूसरी बात, कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है इसके केस में, कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है, तो इसको तोड़ना एक तो पहले मुश्किल है, दूसरा जो अटैक करवाने आ रहा है वो है न्यूक्लियोफाइल, जो बेंजीन रिंग के कार्बन के ऊपर अटैक करवा नहीं सकता, तो इसलिए अगर आपने एलाइल फिनाइल ईथर बनाना है, यू हैव टू यूज एलाइल ब्रोमाइड और फिनोल, दैट्स इट, उल्टा केस नहीं यूज कर सकते इसके केस में। ठीक है, जैसे इसमें आपने किया ना कि अगर आपने इथाइल मिथाइल ईथर बनाना है, तब आप चाहे इथेनॉल लो या क्लोरोमेथेन लो या रिवर्स कर दो, दैट इज कि मिथेनॉल और क्लोरोइथेनॉल लेके मिथेन लेके रिएक्ट करवा दो, ये दोनों केसेस से बन जाएगा, इसके केस में ऐसा नहीं होगा, यू हैव टू यूज एलाइल ब्रोमाइड एंड फिनोल इन ऑर्डर टू प्रिपेयर एलाइल फिनाइल ईथर। ओके, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, कैन वी यूज एलाइल अल्कोहल एंड क्लोरो फिनोल फॉर दिस, नो, बेंजीन रिंग डू नॉट अलाउ न्यूक्लियोफाइल टू अटैक। ओके, तो इसमें वो वाइस वर्सा वाला केस पॉसिबल नहीं था, ठीक, क्लियर। और इस मेथड में और एक लिमिटेशन है, एक तो लिमिटेशन यही वाली हो गई जो हमने अभी पढ़ी, ठीक है, पर चलो इसमें लिमिटेशन कैसी थी, इसमें तो बन ही गया ना अल्टीमेटली ये वाला, इससे इसको यूज करके बना लिया आपने, ये सेकेंड वाला केस पॉसिबल नहीं है, ठीक, इसमें और भी लिमिटेशंस हैं, अब उन लिमिटेशंस को पढ़ना है। चलो नेक्स्ट लिमिटेशंस में इसमें आता है आपके पास, इफ एल्काइल हैलाइड विल हैव बल्कियर आर डैश अटैच्ड टू दैट, ठीक है, अगर आपने इसमें एल्काइल हैलाइड बल्कियर यूज कर लिया, तो हो सकता है उसके उससे आपके पास ईथर बनने के बजाय एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाए, और एलिमिनेशन रिएक्शन से आपको पता है क्या बनते हैं, एल्कीन्स बनते हैं। ओके, इसकी एग्जांपल
जैसे मान लो आपने ये वाला ईथर बनाना है, इसमें एक साइड क्या लगा हुआ है, इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, दूसरे साइड क्या लगा हुआ है, टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप लगा हुआ है। ओके, तो आपने क्या किया, आपने टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल लिया था जिसकी वजह से ये सॉल्ट बना होगा, उसको आपने इथाइल ब्रोमाइड से रिएक्ट करवाया। इसके केस में तो इसने इसके ऊपर अटैक किया, यहां से ब्रोमाइड आयन निकाला, SN2 मैकेनिज्म शो करके एलिमिनेशन रिएक्शन करवा दी। ओके, तो आपका इथर बन गया। अगर वाइस वर्सा केस इसके केस में भी लें, तो जैसे आपने इथेनॉल लिया होगा, इथेनॉल का सॉल्ट बना के आपने सोडियम इथोक्साइड बनाया होगा, ठीक, और आप उसको अब रिएक्ट करवाने जा रहे हो टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड के साथ, तो इज इट पॉसिबल कि ये वाला न्यूक्लियोफाइल यहाँ से SN2 मैकेनिज्म शो करवा पाए? नहीं। तो इसके केस में इस वाले ईथर को भी आप इनसे तो बना सकते हो, मतलब अगर आप टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल और एथाइल ब्रोमाइड को यूज करो तो आपके पास ये वाला ईथर तो बन जाएगा, बट जो वाइस वर्सा वाला केस है उससे ये वाला अल्कोहल ईथर बनने के बजाय आपको एलिमिनेशन प्रोडक्ट मिलेगा, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। कैसे, इसकी बजाय होगा क्या, इस रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन होने की बजाय एलिमिनेशन हो जाएगी। कैसे, ये वाला जो आपका न्यूक्लियोफाइल है इसको तो कोई ना कुछ चाहिए अटैक करने के लिए, ये प्रोटोन के ऊपर अटैक कर देगा इस अल्फा कार्बन के ऊपर, ठीक है, जिस कार्बन के ऊपर, सॉरी, ये जिस कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन लगा है वो अल्फा, जो उससे नेक्स्ट है वो बीटा, ये बीटा कार्बन के हाइड्रोजन को प्रोटोन की फॉर्म में निकाल के अपने साथ लगा लेगा, और यहाँ से एलिमिनेशन रिएक्शन जब हो जाएगी तो ये हैलाइड आयन निकल जाएगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा। ओके, क्लियर? अल्टीमेटली व्हाट यू आर गेटिंग, यू आर गेटिंग एल्कीन एंड दैट अल्कोहल बैक, जिस अल्कोहल से ये सॉल्ट बना था वही अल्कोहल दोबारा बन जाएगा, इंस्टेड ऑफ ईथर बनाने के वो खुद अल्कोहल में दोबारा बैक कन्वर्ट हो जाएगा, और ये वाला जो अल्काइल हैलाइड है उसको एल्कीन में बदल के रख देगा। तो ये सबसे बड़ी लिमिटेशंस है कि अगर आपका अल्काइल हैलाइड जो है उसके अराउंड बल्कियर ग्रुप है तब SN2 मैकेनिज्म शो नहीं हो पाता, तो जो न्यूक्लियोफाइल बनाया होता है आपने अल्कोहल की हेल्प से, वो अटैक करवाने की बजाय, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाने के बजाय, ठीक है, एलिमिनेशन रिएक्शन शो करवा देता है, ठीक है, जिससे आपके पास उस अल्काइल हैलाइड से एलिमिनेटेड प्रोडक्ट बन जाते हैं। ठीक है, जैसे हमने प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइल हैलाइड में पढ़ा हुआ है कि एलिमिनेशन कैसे होती है, उसमें भी हमने यही बोला था कि अल्काइल हैलाइड से की एलिमिनेशन से क्या बनता है, एल्कीन्स बनते हैं, तो अल्टीमेटली यू गेट एल्कीन। ओके, तो ये एलिमिनेशन आपके पास लिमिटेशन है, इसलिए अगर आपका अल्काइल हैलाइड प्राइमरी है तो वो बड़े आराम से ईथर बना लेगा अटैक करवाने के बाद, प्राइमरी हो या मिथाइल हो, यहाँ पे साथ में ऐड कर देते हैं मिथाइल ऑल्सो, मिथाइल एंड प्राइमरी। अगर आपके पास अल्काइल हैलाइड ऐसा है जिसमें ये जो अल्काइल ग्रुप है वो मिथाइल वाला है या प्राइमरी वाला है, ठीक है, जैसे अल्काइल हैलाइड ऐसे लिखते हैं, अगर ये 1 डिग्री है या सिंपल CH3 है तब तो आपके पास ईथर बड़े आराम से बन जाता है। अगर आपके पास अल्काइल हैलाइड सेकेंडरी वाला है तो वो सब्स्टिट्यूशन करवा भी सकता है, एलिमिनेशन के लिए भी जा सकता है, उस टाइम आपके पास मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनता है, ईथर भी बनते हैं एल्कीन्स भी बनते हैं। बट अगर अल्काइल हैलाइड आपका टर्शरी है तो एल्कीन ही बनेंगे, मतलब एलिमिनेशन रिएक्शन ही होगी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होगी, तो ईथर भूल जाओ। ओके, क्लियर? और दूसरी सबसे बड़ी लिमिटेशन ये है, मान लो आपने डायफिनाइल ईथर बनाना है, तो डायफिनाइल ईथर का मतलब क्या हुआ, आपको एक साइड यूज करना पड़ेगा फिनोल, उस फिनोल को सोडियम में डाल के आप बनाओगे सोडियम फिनोक्साइड आयन। ये आपने ऐसा क्यों बनाया, क्योंकि आपको एक न्यूक्लियोफाइल अटैक करने के लिए चाहिए, आपने वो न्यूक्लियोफाइल रेडी कर लिया, ये न्यूक्लियोफाइल रेडी हो गया है। ओके, अब ये न्यूक्लियोफाइल दूसरा भी आपको ग्रुप जो चाहिए वो फिनाइल ही चाहिए, तो उसको यहाँ पे आपने ले लिया क्लोरोबेंजीन, तो यहाँ पे ये अटैक यहाँ से करवाएगा, क्लोराइड आयन यहाँ से निकाल लेगा, यू विल गेट, ये आपके पास बन गया ईथर। क्या प्रॉब्लम है सर, बन तो रहा है, थ्रेटिकली इट इज पॉसिबल, बट वही मैं बोल रहा हूँ, प्रैक्टिकली कभी भी न्यूक्लियोफाइल बेंजीन रिंग के कार्बन के ऊपर अटैक नहीं कर सकते, किसी भी कार्बन को टच नहीं कर सकते वो इजिली, ठीक है, तो ये रिएक्शन एक्चुअल में होता ही नहीं है। ये वाला यहाँ पे इस कार्बन के ऊपर अटैक करवा के यहाँ से ब्रोमाइड आयन निकाल के ये बना ले, ऐसा हो ही नहीं सकता, सब्स्टिट्यूशन होती नहीं है, इवन ये रिएक्शन ही नहीं होगी, इसमें तो एल्कीन भी नहीं बनेगा, कुछ भी नहीं बनेगा, ये दोनों ऐसे एसिड एस सच पर पड़े रहेंगे। इनमें तो फिर ऐसा होता है ना कि आपका जो है न्यूक्लियोफाइल गया, उसने प्रोटोन रिलीज करवा के एलिमिनेशन प्रोडक्ट बनवा दिया, ठीक है,
जो बल्की वाला आपने अल्काइल हैलाइड यूज किया था, उससे आपका एलिमिनेशन प्रोडक्ट तो बनता है। इसमें कुछ भी नहीं होना है, इसमें बनना ही नहीं है कुछ, दे विल रिमेन एज सच। ओके, और सेकेंड मेथड अल्काइल हैलाइड्स का से ईथर बनाने का, ये भी यूज होता है कहाँ पे, सिमेट्रिकल ईथर बनाने में। यहाँ पे वर्ड ऐड कर देते हैं, सिमेट्रिकल ईथर बनाने में ही यूज होता है ये मेथड। क्या मेथड है? अल्काइल हैलाइड्स को सिल्वर ऑक्साइड से रिएक्ट करना है। सिल्वर ऑक्साइड का फॉर्मूला ये है, ये भी हम पढ़ चुके हैं पहले। ओके, जिनमें हमने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइल हैलाइड पढ़ी थी। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइल हैलाइड में हमने देखा था, अल्काइल हैलाइड्स को जब भी ड्राई सिल्वर ऑक्साइड से रिएक्ट करवाओ तो ये आपके पास ऑक्सीजन, दो सिल्वर एक ब्रोमीन एक ब्रोमीन, इन दोनों के साथ जुड़ के दो सिल्वर ब्रोमाइड बना गए, और ये ऑक्सीजन जो है इन दोनों अल्काइल से जुड़ जाएगा। यू विल गेट योर ईथर एज अ प्रोडक्ट। ओके, एंड थर्ड एंड द लास्ट कैटेगरी टू प्रिपेयर द ईथर्स, दैट इज बाय यूजिंग ग्रिगनर्ड रिएजेंट। ग्रिगनर्ड रिएजेंट को यूज करके आप कैसे ईथर बना सकते हो। ठीक है, इसमें आपको ऑलरेडी ईथर्स ही यूज करने पड़ेंगे, बट वो हेलो ईथर्स होंगे। ठीक है, हेलो वो वाला हैंडशेक वाला हेलो नहीं, मतलब हेलोजन लगा होगा अल्फा पोजीशन पे। मतलब ये अगर आपका ईथर है, ये ईथर ग्रुप है, उससे नेक्स्ट वाले कार्बन को बोलेंगे अल्फा कार्बन, उसके ऊपर हेलोजन लगा होना है। तो अगर ऐसे ईथर से आपने सिंपल वाला ईथर बनाना है, इसका हेलोजन रिमूव करना है, तो ग्रिगनर्ड रिएजेंट यूज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे हमने क्या यूज किया, हमने मिथाइल वाला ग्रिगनर्ड रिएजेंट यूज किया, तो अल्टीमेटली होगा क्या, व्हाट विल हैपन, क्लियर? ये वाला जो मिथाइल ग्रुप है ये इसके साथ जुड़ जाएगा, यहाँ से क्लोराइड आयन निकलेगा, सीएल नेगेटिव आयन, वो इस एमजीआई के साथ जुड़ जाएगा लाइक दिस। तो आपके पास ये वाला बन गया ईथर, और ये आपका ग्रिगनर्ड रिएजेंट का बाय प्रोडक्ट। ओके, क्लियर? अगर मान लो ये हमने ऐसा किया, इसमें क्या हुआ, इसमें एक साइड मिथाइल लगा, दूसरे साइड इथाइल बन गया। यहाँ पे मान लो अगर आपको प्रोपाइल चाहिए होता इसके इस साइड, तब ग्रिगनर्ड रिएजेंट कौन सा यूज करते? अगर इसमें एग्जाम्पल मैं और ऐड कर दूं एक, अगर यहाँ पे आप ग्रिगनर्ड रिएजेंट ये वाला यूज कर लेते, ठीक है, तब क्या होगा, ये वाला ग्रुप इसके साथ जुड़ जाएगा, यहाँ से क्लोराइड आयन निकलेगा, वो इसके साथ जुड़ जाएगा। ओके, तो क्या बन जाएगा आपके पास, व्हाट विल यू गेट, CH2 CH3 प्लस MgI और एक साइड Cl। ठीक, तो आपके पास एक साइड प्रोपाइल बन गया, हालांकि यहाँ पे मिथाइल था, दो कार्बन यहाँ से एक्स्ट्रा कहाँ से आए हैं, ग्रिगनर्ड रिएजेंट से। ठीक, और एक साइड मिथाइल बन गया। तो कौन सा आपने ईथर बनाना है, उसके अकॉर्डिंग आप इन दोनों की सिलेक्शन करोगे कि ग्रिगनर्ड रिएजेंट कौन सा लेना है और अल्फा हेलो ईथर कौन सा लेना है। ओके, तो दिस इज द मेथड टू प्रिपेयर ईथर्स बाय यूजिंग अल्फा हेलो ईथर्स एंड सूटेबल ग्रिगनर्ड रिएजेंट। ओके, एंड टुमारो वी विल डिस्कस केमिकल रिएक्शंस ऑफ ईथर, नॉट टुडे, टुमारो। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे।